इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक औरत आई और अर्ज करने लगी, या अली, मेरा बाप जबरदस्ती मेरा किसी से निकाह करना चाहता है, क्या इस्लाम में ये जायज है या नाजायज? बस ये कहना था तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस औरत के वालिद को बुलाया और फरमाने लगे, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सुना कि जब तक निकाह अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होता, जब तक कि औरत या मर्द दिल से उसे तस्लीम न करे, ऐ शख्स, अगर तुम ज़बरदस्ती अपनी बेटी का निकाह किसी इंसान से करोगे तो ये निकाह नहीं बल्कि जबर होगा, और जबर करने वाला और जुल्म करने वाला अल्लाह के लिए कोई इबादत का अजर नहीं पाएगा, तो ये निकाह नहीं बल्कि जबर होगा, और जबर करने वाले और जुल्म करने वाले की इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता। ऐ शख्स, याद रखना, इस्लाम अमन का नाम है, और जिस रिश्ते की शुरुआत में अमन नहीं, मोहब्बत नहीं, रजामंदी नहीं, तो ऐसा रिश्ता अल्लाह के नज़दीक मोहतरम नहीं होता।